पालमपुर की रहने वाली अलाइका को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अलाइका को यह पुरस्कार प्रदान किया। देवभूमि की इस बेटी ने कार हादसे में वाहन चालक और उनके परिजनों की जान बचाकर एक सराहनीय कदम उठाया था। बहादुर बेटी अलाइका के अध्यापकों और मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। क्रेन ऑपरेटर की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर परवाणु लाया जा रहा है। मामले की पुष्टि करते एसपी शिव कुमार शर्मा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आरोपियों से पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि दिल्ली के कुछ युवकों ने क्रेन ऑपरेटर की पिटाई की थी और उसे खाई में फेंक दिया था। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इनमें हिमाचल से 3 वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। ये तीनों ही नेता दिल्ली में चुनाव के दौरान अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। पहला नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है, दूसरा नाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का है और तीसरा नाम वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का है। आपको बता दें कि 8 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होने वाली है। नागरिकता संशोधन कानून पर एक बार फिर वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने बयान दिया है। शांता ने कहा है कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रही है। दुनिया में करीब 190 देश है जिनमें आधे से ज्यादा देशों में ये कानून है। जापान का कानून सबसे बढ़िया है। हिंदुस्तान में बहुत से लोग ऐसे नियत से आए हैं कि यहां एक और पाकिस्तान बनाया जा सके। वही शांता ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत पर कांग्रेस ने दुख जताया है। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि इसमें सरकार की लापरवाही है। प्रदेश सरकार जल्द इनके परिवार को आर्थिक मदद दे और एक सदस्य को नौकरी दे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कम सुविधाओं में ज्यादा काम लिया जा रहा है और सरकार इनका वेतन नहीं बढ़ा रही। प्रदेश सरकार को उनके मानदेय में अपना हिस्सा बढ़ाना चाहिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल शिमला में झंडा फहराएंगे। शिमला में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कांगड़ा में भी जिला स्तर पर समारोह होगा जिसके लिए डीसी की अगुवाई में रिहर्सल की गई। पूर्ण राज्यत्व दिवस 25 जनवरी के लिए बिलासपुर में राज्य स्तरीय समारोह होना है जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजीव बिंदल अपने गृह जिला पहुंचे। यहां जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजीव बिंदल ने सभी की बधाई स्वीकार करते हुए कहा कि वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। संगठन को आगे ले जाने के लिए जो भी मन पड़ेगा वो सब किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर खुशी जताई है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रदेश सरकार के दावे हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। सरकार वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस की बात कर रही है लेकिन पुरानी एम्बुलेंस सेवा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बिलासपुर और चंबा में आलम यह है कि धक्का लगाकर एम्बुलेंस को स्टार्ट किया जाता है। मरीज को लाने के लिए अस्पताल प्रबंधन के कुछ लोग एम्बुलेंस स्टार्ट करवाते हैं और इसका लाइव वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्राइम कंट्रोल की एक टीम ने चौहार घाटी में अफीम का धंधा चला रही एक महिला को पकड़ा है। टीम ने दबिश देकर महिला को गिरफ्तार किया और उसके पास से 424 ग्राम अफीम बरामद की है। महिला सुंदरी देवी स्थानीय निवासी है जो लंबे वक्त से इस धंधे में शामिल थी। वही कुल्लू पुलिस ने 2 चरस के आरोपियों की 20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। जांच के दौरान ये पैसा उनके अकाउंट से मिला है। नेशनल हाईवे 205 पर तेज रफ्तार का सिलसिला कम नहीं हो रहा। यहाँ अक्सर तेज रफ्तार की वजह से गाड़ियां टकराती हैं। ताजा मामले में कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई। मौके पर दोनों ही गाड़ियों के चालकों ने सुलह कर लिया और मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा। हादसे में कार सवार दो युवकों को हल्की चोट आई है। वहीं कुल्लू में पंजाब नंबर के एक फॉर्च्यूनर में 2 पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस पकड़े गए हैं।